नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आज डाउनलोड करें। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात करें, ओनली वन क्लिक में, वन रुपीज में पूरे 5 मिनट। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कर्क लग्न कर्क राशि के जातकों के लिए नवम्बर 2023 कैसा रहेगा, नवम्बर के माह में किस प्रकार की उपलब्धि मिलेंगी जिसमें आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवार, लव लाइफ, भाग्य आपको कितना सपोर्ट करने वाला है, जीवन में आ रही दुविधाएं कैसे दूर होंगी, लगातार कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है, उसका समाधान क्या है। वीडियो के अंत में विशेष उपाय रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए जानते हैं लग्नेश लग्नाधिपति आपके चंद्रमा, मन का स्वामी चंद्रमा है, फीलिंग का स्वामी चंद्रमा है, माता का कारक चंद्रमा है। लगातार मन में दुविधा, परेशानी, नेगेटिविटी काफी समय से चल रही है और काफी परेशान रहे इस चीज को लेकर के, लेकिन नवंबर में शनि का मार्गी होना आपके लिए फलदायी, शुभदायक और एक अच्छा रहेगा। आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव करेगा, जो थिंकिंग आपके माइंड में चल रही है, जो करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं वैसा आपको लाभ प्राप्त होगा। वर्ष 2023 में नवंबर का माह आपके लिए भाग्यशाली होने से सुखेश प्रबल हो जाएगा, लाभेश प्रबल हो जाएगा, धनेश प्रबल हो जाएगा, घर से, परिवार से, पैतृक संपत्ति आदि से आपको अच्छी रिपोर्ट, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कि कोई बंटवारा है तो लाभ मिल जाएगा, फिर पैतृक संपत्ति आदि में कोई लाभ मिलना था और आपकी हिस्सेदारी है या कोई गोल्ड है, आपकी प्रॉपर्टी है या कोई भी ऐसी वस्तु है जो आपकी पारिवारिक है, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ आपको नवंबर के माह में भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी के कार्यों में सुख सुविधाएं मिलेंगी। अपने परिवार के लिए कोई वाहन ले सकते हैं, अपने लिए घर ले सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्ट कर पाएंगे। नवंबर का माह आपके लिए अर्निंग के रास्ते खुल रहा है, अलग अलग इनकम के रास्ते आपके खुलेंगे। थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, विदाउट रीजन जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनमें आपको अपना स्वास्थ्य पर, अपने खान पीन पर, अपने टाइम टेबल पर ध्यान देना होगा, बहुत सजग रहना होगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपको अपने शत्रुओं से भी बचना है और किसी को धन देते समय भी आपको बिल्कुल सटीक और सही तरीके से समझ करके सारी चीज़ों को, तब आपको किसी को पैसा देना है। आपके लिए वर्ष 2023 में नवंबर का माह आपकी कुंडली से आपके लिए आपकी मेहनत बढ़ाएगा, पराक्रम जितना करेंगे उतना ही बेनिफिट आपका बढ़ता जाएगा, जितना एफर्ट करेंगे उतना ही पराक्रम से आपका प्रबल होगा, अर्निंग और इनकम के स्रोत बढ़ जाएंगे। वैवाहिक जीवन में बाधाएं, परेशानियां चल रही थी वो सॉर्ट आउट होंगी, अच्छा रिश्ता, परफेक्ट पार्टनर, अच्छे रिश्ते मिलने के संयोग बनेंगे। बार बार शादी में बाधा परेशानी चल रही थी उसमें अब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और एक अच्छे परिवार में आपका रिश्ता जुड़ेगा। अर्निंग के लिए भी, इनकम के लिए भी आपकी डेली बेसिस की आमदनी है, डेली बेसिस के आपके स्रोत है इनकम के, वो खुल जाएंगे, जो पैसा रुक गया था वो वापस मिलने का संयोग बनेगा। और साथ ही साथ आपकी लव लाइफ, जिन दर्शकों की लव लाइफ है, नवंबर का माह आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके पार्टनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आपके पार्टनर के साथ जो मतभेद हो गए थे वो मतभेद दूर हो जाएंगे, आपके पार्टनर साथ छोटी छोटी बातों को लेकर जो इश्यू चल रहे थे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। विशेष तौर पर नवंबर के माह में आपकी कुंडली से आपको आपके परिवारजनों का सहयोग मिलेगा, उससे भी आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपने कार्यों में बिजी रह करके थोड़ा अपने परिवार को कम समय देंगे और साथ ही साथ आपकी यात्राएं भी लगातार चलती रहेंगी। फिजूल की यात्राओं से बचने का प्रयास करना, जो शुभ और सटीक और जरूरी यात्रा है वही आपको यात्राएं करनी है। इस माह जो विशेष उपाय आपको करना है उसमें आपको सबसे पहले अपना फीलिंग, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखने का प्रयास करना है। रात्रि में सोते समय चंद्रमा का दर्शन करना है और सोने से पहले आपको पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ करके 2 मिनट, 5 मिनट शांति से बैठना है और फिर उसके बाद में सोना है, तो उससे आपका चंद्रमा प्रबल होगा। जल्दी से जल्दी सोने का प्रयास करें जिससे आपका चंद्रमा और बली हो जाएगा। और एक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आइए डाउनलोड कीजिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।